Hello and welcome to channel, guys. So this is the 14th lecture of this series, and in the previous lecture, we have already discussed near about 170 questions in the all 13 lecture. So if anyone watching this video for the first time, so please go and visit the playlist and watch uh, this important MCQ series and all the video and solve the, all the question, which is very important for this paper uh, to social work. नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस समर इंपॉर्टेंट फिफ्टीन क्वेश्चन इन दिस वीडियो इन दिस लेक्चर सो लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर वन द फर्स्ट क्वेश्चन आस्क हु प्रोपाउंड दी डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसके द्वारा जो पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन थ्योरी थी यह दी गई थी तो चार ऑप्शन दिए हैं रॉबर्ट बेल्थस कैनिन फ्रेंक नॉडस्टैन एंड डब्ल्यू एस थाम्सन और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दो जिसमें से आपको बताना है कौन सा सही आंसर है आई होप आज इसका आंसर आपने सोच लिया होगा सो so, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रैंक नॉट स्टैंड एंड डब्ल्यू एस ताम्पसन ना द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू द महालोविश मॉडल इज कंसर्न विथ विच फाइवर प्लान किस पंचवर्षीय योजना के जो जो मॉडल है महानोविस का वो कंसर्न करता है या उससे डील करता है या उससे रिलेटेड है फर्स्ट फाइवर प्लान या सेकेंड फाइवर प्लान या थर्ड या फोर्थ सो so, इसका राइट right आंसर है सेकंड फाइव ईयर प्लान जो सेकंड फाइव ईयर प्लान था उससे ही ये जो मॉडल था महलानोवेस का उससे डील करता था सो so, सेकंड सही आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड द कंसेप्ट ऑफ फाइव ईयर प्लान इज़ बोरो फ्रॉम आपको बताना है किस कंट्री से जो फाइव ईयर प्लान का जो कंसेप्ट था पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट किस देश से इसको बोरो किया गया था या उससे इंस्पायर था चार ऑप्शन दिए हैं सोवियत यूनियन यूके साउथ अफ्रीका यूएसए सो इसका राइट आंसर है आई होप इसका आंसर आपको पता होगा फर्स्ट ऑप्शन सोवियत यूनियन ये अभी रसिया है बट उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय सोवियत यूनियन या एस के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका डिसइंटिग्रेशन हो गया था तो रसिया बना और उसके अलावा और भी कंट्री बनी तो उस समय पर जो फाइवरेट प्लान था हमारे देश में उसको लिया गया था सोवियत यूनियन से नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर द डेली पायलट प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन इच ईयर आपको बताना है किस साल में डेली पायलट प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया था स्टार्ट किया गया था आई होप इसका आंसर आपको पता होगा क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने लेक्चर ऑलरेडी एक लेक्चर लिया था जो कम्युनिटी प्रोग्राम्स थे उसमें डिस्कस किए थे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए थे और कुछ ब्रिटिश इंडिया के द्वारा चलाए गए थे उस टाइम पर जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है तो जो जिसने नहीं, नहीं देखा है वो जाके वीडियो को देख सकते हैं प्ले में सो so, इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नाइनटीन फिफ्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा गया है कि फर्स्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी यूएसए में कब एस्टेब्लिश की गई थी किस साल में uh, 1877, सेवेंटी सेवन सेवेंटी फोर एटीन सिक्सटी सेवन या एटीन एटी सिक्स तो आप अगर जब भी इस जो पहला यूनिट है सोशल वर्क का अगर उसको पढ़ा होगा आपने तो इसके बारे में पढ़ा होगा कि ये जो यू में पहली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इस्टेब्लिश कब की गई थी इसका राइट आंसर है नाइनटीन सेवेंटी फोर नाउद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स द टर्म सोशल वर्कर्स वाज क्वाइन बाई किसके द्वारा जो टर्म है सोशल वर्कर ये क्वाइन की गई है चार ऑप्शन दिए हैं मैरी रिचमेंट के द्वारा या साइमन पैटर्न के द्वारा या गसेला कोनोपका के द्वारा या डब्ल्यू ए फ्लैट के द्वारा सो so इसका राइट आंसर है सेमन पैटर्न के द्वारा आई होप इसके ये जो आंसर है आपको पता होगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप सेकंड नोट में शायद आप जब पढ़ेंगे तो इस शुरू के पेज पे ही या फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसके बारे में दिया गया है कि जो सोशल वर्कर है ये टर्म है जो किसके द्वारा क्वॉइन की गई थी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन इसमें पूछा गया है कि विच डेवलपमेंट मॉडल इंडियन गवर्नमेंट फॉलो फॉर प्लान डेवलपमेंट प्लान डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा डेवलपमेंट मॉडल को फॉलो किया जाता है या किया गया था जब स्टार्टिंग में ही कैपिटलिज्म सोशलिज्म डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या नन ऑफ द एबक सो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कैपिटलिज्म नहीं है क्योंकि ये तो यू में है ये जो मॉडल चलता है और टोटल सोशलिज्म भी नहीं है और जो थर्ड ऑप्शन है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये इंडिया के द्वारा अपनाया गया है ये मॉडल सो राइट आंसर सी नाउ क्वेश्चन नंबर एट पर्सन इज अनएम्प्लॉयड वहन सी इज़ नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑल दो ही ओ सी वा क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि एक पर्सन है जो अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेरोज़गार है जबकि ही ओ सी इज़ नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल दो ही ओ सी एबल टू वर्क मतलब इसमें सिंपल है कि इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट की परिभाषा होती है डेफिनेशन होती है वही पूछ ली गई है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है अगर पर्सन अवेलेबल है और उसको बेरोजगार नहीं मिल रहा है उसको ही अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है तो उसमें दिया है एबल टू वर्क जो काम कर सकता है या जो काम करने करने के लिए तैयार है या फिर आ, वो अवेलेबल है फॉर द वर्क बट काम नहीं है तो ये सभी इसी के अंदर आते हैं जो अनएम्प्लॉय की परिभाषा होती है डेफिनेशन होती है तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा सही ना क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा गया है कि सोशल कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रो सोशल कंट्रोल किसके माध्यम से एक्सरसाइज मतलब किसके माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है दैट इज लॉ कस्टम ट्रेडिशन या ऑल दयाव तो इसमें आप देख सकते हैं चारों थी, ही तीनों ही ऑप्शन सही है लॉ के द्वारा भी ये सोशल कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है और कस्टम के माध्यम से भी ट्रेडिशंस के माध्यम से भी तो चारों ही ऑप्शन तीनों ही ऑप्शन सही हैं तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में पूछा गया है कि प्रोविजन रिलेटेड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस हमारे भारतीय संविधान के किस कि, आर्टिकल में जो बच्चे इनकी जो बच्चों की एज जीरो से लेकर जी फोर्टीन ईयर तक होती है इस एज ग्रुप के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना किस आर्टिकल में मेंशन है सो so ये आपको पता होगा इसके आर्टिकल फोर्टी ट्वेंटी वन ए इसके ये बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में अगर जिसने नहीं देखा वहाँ जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन पूछा गया है कि कल्चरल लैग मीन्स कल्चरल लैग का मतलब क्या होता है फर्स्ट ऑप्शन दिया है अन कल्चरल डेवलपमेंट या फिर डिके इन दी मॉरल वैल्यू मॉरल वैल्यू कम होना या डिके होना या ऑप्शन सी दिया है नॉन करस्पॉन्डिंग चेंज इन दी मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर जो हमारा मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर होता है उसमें उसके अकॉर्डिंग चेंज ना होना नॉन करस्पॉन्डिंग चेंज होना एंड ऑप्शन डी दिया है नॉन ऑफ दफ सो आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा और इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कल्चरल लैक के बारे में सो so, इसका राइट right आंसर है सी नॉन करस्पॉन्डिंग चेंज इन दी मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बिच वन ऑफ द फॉलोइंगो इज नॉट अ फंडामेंटल राइट आपको है कौन सा फंडामेंटल राइट right नहीं है चार ऑप्शन दिए हैं राइट टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन राइट टू कंस्टीट्यूशन रेमेडी एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू इक्वालिटी तो आई होप आप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा और जो कंस्टिट्यूशन वाला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था सभी जितने भी जो फंडामेंटल राइट थे या फंडामेंटल ड्यूटी थी या डी थी वो सभी के बारे में हम डिस्कस किया था तो अगर जिसने नहीं देखा वो लेक्चर तो अकॉर्डली ले आप जाके विजिट कर सकते हैं प्ले उसमें ये सभी के बारे में डिस्कस किया है तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन ये फंडामेंटल राइट नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्टीन में पूछा गया है द बेसिस ऑफ सोशल स्टेडिफिकेशन इज चार ऑप्शन दिए हैं सोशल जस्टिस पूछा गया कि जो सोशल स्टाटिफिकेशन होता है उसका बेसिस क्या है उसका आधार क्या है उसका आधार सोशल जस्टिस है या सोशल इनक्वालिटी है या सोशल इनजस्टिस या फिर सोशल इक्वालिटी है तो आप जहाँ स्टाटिफिकेशन की बात आ गई है तो वहाँ इक्वालिटी होगी नहीं ना ही जस्टिस होगी ना ही सॉरी नो जस्टिस भी नहीं होगा no हो तो यहाँ पर जो दो ऑप्शन बचते हैं सोशल इनकोलिटी और सोशल इनजस्टिस आपको बताना है कौन सा सही हो सकता है इसका तो आई हो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा ऑप्शन सेकंड जो है इसका सोशल इनक्वालिटी दैट इज करेक्ट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ट्राइबल इन द शेड्यूल एरिया डिमांड स्पेशल केयर फॉर द चिल्ड्रंस टू चिल्ड्रंस अंडर द कंस्टिट्यूशन राइट दे डिमांड सच केयर अंडर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मतलब उनको अधिकार दिया गया है जो ट्राइबल लोग आदिवासी लोग होते हैं तो अपने बच्चों के लिए स्पेशल केयर और एजुकेशन मतलब शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए किस आर्टिकल में मैंशन है तो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा ये जो आर्टिकल है इसमें फोर्टी सिक्स ये आर्टिकल में मैंसन है कि जो ट्राइबल्स एरिया है ट्राइबल्स पीपल होते हैं उनके बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन करेगी उनके एजुकेशन के लिए तो ये आर्टिकल फोर्टी सिक्स मैंसन है नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जो लास्ट क्वेश्चन है हु फ्रॉम अमोंगेस्ट द फॉलोइंग प्रोफॉर्म दी कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी ग्रुप बताना है चार ऑप्शन दिए हैं इनके इनमें से किसके द्वारा ये जो कंसेप्ट था प्राइमरी ग्रुप का ये दिया गया था तो ये चार ऑप्शन दिए हैं ई एल एस बोगाडस आर एम मैकाइबर हर्बर्ट डिस्पेंसर है सी एच कोले सो आई होप इसका आंसर आपको पता होगा एंड द राइट आंसर इज सी एच कोले के द्वारा ये जो प्राइमरी ग्रुप का जो कंसेप्ट था दिया गया था सो ये थे फिफ्टीन क्वेश्चन इस वीडियो में और इस लेक्चर में इतना ही और थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन